किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चौथे दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्री ने चार फसलों मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। इन्हें सहकारी सभाओं के जरिए 5 साल तक खरीदने, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नेफेड और एनसीसीएफ से होगा। केंद्रीय मंत्री और किसानों की रविवार शाम को 8:30 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। यह 5 घंटे से ज्यादा चली। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल समेत मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, जगदीत सिंह डल्लेवाला मौजूद थे। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सभी जथेबंदियों से 19 और 20 फरवरी को विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद 20 की शाम को अपना फैसला बता देंगे। 21 की सुबह 11 बजे तक दिल्ली कूच को स्टैंड बाय पर रखा है। उधर आंदोलन के 6ठे दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तो शांति रही, लेकिन भाकी उंघराह का रोष प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी, और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से, उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएसीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होते हैं, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। जे सानू झोने दे नाल नाल जिहड़ी फसल असी झोने की जगह ते बीजांगे, जे उहदे ते सानू एमएसपी की गरंटी दे दो, तां असी तुहानूं दाणा पैदा करके दे सकते हैं। हिस्टरी अपने आप नूं रिपीट करूगी। जदों अपना देश कणक दे मामले च एक वारी जिहड़ा विदेशां ते डिपेंडेंट सी, अमरीका ने कणक देण तों ना करती सी, तां फिर इत्थे हरी क्रांति आई सी ते हरी क्रांति ने पूरे देश दे अनाजां दे अनाज दे भंडार जिहड़े भरते, जो पंजाब ने लीड कीती सी ओह क्रांति। हालांकि वह हरी क्रांति का खमियाजा सानू अज भुगतना पै रहा कि साडा पानी जिहड़ा बहुत ज़्यादा वाटर लैवल थले चला गया। सो मैं क्या सी कि दाणा सानू दिओ, किहड़ी किहड़ी दाणा ने, साडी इन्नी उपजाऊ धरती है कि असीं तुहानूं पैदा करके देवांगे, पर उहदे ते सानू एमएसपी की गरंटी होनी चाहीदी, इक इक दाणा चक्कण दी।